रहिए। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन एंड सेफ। स्टूडेंट्स, आज की ग्रामर की क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगी चैप्टर पॉइंट 3। तो तमाम स्टूडेंट्स अपनी बुक में चैप्टर पॉइंट 3 ओपन कीजिए। पेज नंबर 48, चैप्टर पॉइंट 3, इसकी एक्सरसाइज ए रीड करते हैं। पहले लेट्स प्ले। साइमन सेज योर टीचर विल एक्ट एज साइमन एंड कॉल आउट सम डूइंग वर्ड्स। कैन यू एक्ट आउट ऑल द एक्शंस? हाउ फास्ट कैन यू डू देम? आर देयर एनी यू डोंट नो? अच्छा स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता है साइमन सेज जो होता है वो एक गेम होता है। किस किस को साइमन सेज गेम के बारे में पता है? अभी हमारे स्कूल ओपन नहीं है ना, अगर स्कूल ओपन होते तो मैं आप लोगों के साथ ये वाला गेम जरूर खेलती। लेकिन जब हमारे स्कूल ओपन होंगे ना तो फिर हम लोग ये वाला गेम खेलेंगे। इसमें मैं आप लोगों को कुछ डूइंग वर्ड बोलूंगी, फिर आप उन डूइंग वर्ड पे एक्ट करेंगे। अब अपनी एक्सरसाइज भी देखते हैं। राइट अ शॉर्ट पैसेज अबाउट योर सेल्फ, योर फैमिली एंड वेयर यू लिव। कैन यू डिटेक्ट ऑल द स्पेशल नेम्स इन द पैसेज यू हैव रिटन? स्टूडेंट्स, अगर आप लोग बना सकते हैं तो एक शॉर्ट पैसेज बनाइए। उसमें अपने बारे में, अपनी फैमिली के बारे में, आप कहाँ रहते हैं, ये सब लिखिए। और आप अगर डिटेक्ट कर सकते हैं, बता सकते हैं, लिख सकते हैं कि उस जो पैसेज आपने बनाया है उसमें स्पेशल नेम कहाँ कहाँ है, तो वो भी अलग से लिखिएगा आप लोग। एक्सरसाइज सी, कैन यू टेल वेयर द ऑब्जेक्ट्स आर इन द इमेज ब्लो? ये देखिए, इस इमेज में हमें बताना है कि कौन सा ऑब्जेक्ट कहाँ है। तो अपनी एक्सरसाइज सी स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, द विंडो इज डैश द बेड। द विंडो इज बेड दैट, सॉरी, डैश द बेड। अब हमें इस इमेज में फाइंड करनी है कि विंडो जो है वो बेड के कहाँ है। तो फाइंड करें, कहाँ नजर आ रही है आपको विंडो? यहाँ ना, ये। और ये कहाँ है बेड के? बिहाइंड, पीछे है ये। देखिए, मैंने ऑलरेडी जो है वो ब्लैंक्स फिल की हुई है, आप लोग भी देख के जाइए। तो विंडो जो है वो बिहाइंड द बेड, हमने यहाँ लिखना है बिहाइंड। ये हमारा सेंटेंस यहाँ कंप्लीट हो जाएगा, द विंडो इज बिहाइंड द बेड। नंबर 2, देयर इज अ गिटार डैश द विंडो। और अब हमें तलाश करना है गिटार को कि गिटार जो है वो विंडो के किस साइड है। तो ये देखें, ये रहा गिटार और ये विंडो के अबव है, ऊपर है ना। तो यहाँ क्या आएगा ब्लैंक में? अबव। देयर इज अ गिटार अबव द विंडो। नंबर 3, अ ग्लास ऑफ वाटर इज सिटिंग डैश द टेबल। अ ग्लास ऑफ वाटर इज सिटिंग डैश द टेबल। अब हमें वाटर का ग्लास फाइंड करना है कि वो कहाँ है। कहाँ है ये तो नहीं, ये तो कप है ना, और ये है ग्लास, और ये कहाँ है? टेबल पर है ना, टेबल के ऊपर। तो क्या होता है, मैंने आप लोगों को बताया ना कि कोई चीज जब किसी के ऊपर रखी होती है तो उसे क्या कहते हैं? ऑन। तो पानी का ग्लास कहाँ है? ऑन द टेबल। यहाँ सब ब्लैंक में राइट करेंगे ऑन। नंबर 4, अ पेयर ऑफ शूज एंड अ बैकपैक आर डैश द बेड। अब हमें फाइंड करना है शूज का पेयर और बैकपैक। तो चलें फाइंड करते हैं इस इमेज में से कहाँ है यहाँ पर। ये देखिए, ये शूज का पेयर भी है और ये बैकपैक भी है, और ये कहाँ है? ये बेड के बिसाइड में है, यानी कि उसके साइड में रखे हुए ना। तो अ पेयर ऑफ शूज एंड अ बैकपैक आर बिसाइड द बेड। बिसाइड राइट करेंगे सब। ये वाली ब्लैंक्स आप लोगों ने खुद फिल करनी है, ठीक है? मैंने तो यहाँ करवा दी है, आप लोग खुद फिल कर लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखिएगा, लेकिन पहले डायरी राइट कर लीजिए, अपनी अपनी डायरी नोट कर लीजिए। दो बुक पेज नंबर 48 प्लस लर्न एमसीक्यूज 11 टू 15। ओके स्टूडेंट्स, अपने अच्छी तरह से ख्याल रखिएगा। लाभ